हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कहीं भी नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, जो बहुत जरूरी हो जाते हैं जानने के लिए। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो फिस्टुला बनाया जाता है वो काफी लोगों को देखने को भी नहीं मिलता है, जो भी एज अ डायलिसिस टेक्नीशियन है या फिर डायलिसिस नर्स वगैरह है। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, और आने वाली वीडियो में फिस्टुला का भी पूरा प्रोसीजर दिखा देंगे आप लोगों को। तो एम करते हैं इस वीडियो पे 1500 लाइक का। तो लाइक का बटन दबाते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्पंज होल्डर से, ठीक है। आप लोगों को स्पंज होल्डर तो सबको ही पता होगा, क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। स्टार्टिंग में जब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो स्पंज होल्डर का यूज किया जाता है क्लीन करने के लिए। जहां भी प्रोसीजर करना है, जिस भी एरिया पे, उसको क्लीन करने के लिए स्पंज होल्डर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्पंज होल्डर हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कर्व आर्टरी फोर्सेप, ठीक है। तो ये चारों आपको सेम दिख रहे होंगे, तो इन्हें क्या बोलते हैं, कर्व आर्टरी फोर्सेप, ठीक है। ये क्यों बोला जाता है, देख सकते हैं आप, कर्व होती है, ठीक है। इसकी जो टिप होती है कर्व होती है, नॉर्मल आर्टरी फोर्सेप आपने देखा होगा वो कर्व नहीं होते हैं। अब इनके यूज मैं बताता हूँ क्या होता है कर्व आर्टरी फोर्सेप का। जब कट कर दिया जाता है, ठीक है, किसी एरिया को जब कट किया जाता है, तो उसको इजिली ओपन करने के लिए और एक्सपोज करने के लिए, ताकि वेन, क्योंकि डीपली नहीं कट कर सकते, जो सर्जिकल ब्लेड होता है उसे डीप नहीं कट कर सकते, ताकि वेन या आर्टरी कोई उसकी ब्रांचेज ना कर जाए, तो इसलिए इससे एक्सपोज किया जाता है धीरे धीरे आर्टरी और वेन को, ठीक है, जब फिस्टुलास बनाया जाता है। ये आपके चारों क्लियर हो गए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ये चार हो गए आपके। फिर आपके आ जाते हैं ये चार एलिस फोर्सेप, ठीक है। एलिस फोर्सेप क्या होते हैं, जो स्किन कट हो चुकी है उसको ऐसे पकड़ के साइड में करने के लिए, ठीक है, जिससे वो ओपन ही रहे, इसलिए एलिस फोर्सेप का यूज किया जाता है। तो ये भी इसमें कितने ट्रे के अंदर फोर है, 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब आपके ये दो आ जाते हैं, आपके फोर्सेप होल्डर हो गए। अब इसमें एक आ जाता है टूथ फोर्सेप होल्डर, ठीक है, आप देखोगे इसे टूथ फोर्सेप होल्डर होता है तरीके से। और फिर आपका आ जाता है प्लेन वाला फोर्सेप हो जाता है, ये नॉर्मली तो आपने देखा ही देखा होगा। और फिर आप देख लोगे इसमें बुलडोग होते हैं, ठीक है। बुलडोग किस लिए यूज किया जाता है, फ्लो रोकने के लिए। आर्टरी और वेन कोई भी होती है, उनका अगर फ्लो रोकना है, वेन जा रही है, ठीक है, इसका अगर इधर से फ्लो रोकना है, तो यहाँ पे इसको बुलडोग लगा दिया जाता है, इसलिए ये बुलडोग यूज किए जाते हैं। तो ये भी तीन है स्ट्रे के अंदर। फिलहाल हम आ जाते हैं डायलेटर की तरफ, ठीक है। डायलेटर आप लोगों को पता है, नाम से पता चला कि डायलेट करने के लिए यूज किया जाता है, जो वेन होती है उसको अच्छे से डायलेट किया जाए, ताकि उसके अंदर फ्लो ज्यादा आ जाए और अच्छे तरीके से फिस्टुला काम करने लग जाए, तो इसलिए डायलेटर का यूज किया जाता है। ठीक, इसके बाद टॉवल क्लिप हो जाता है, आपको दिख रहे होंगे टॉवल क्लिप। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके जो ये कैस्टोविज, ठीक है, इसमें कैस्टोविज कहा जाता है, ये सूचर होल्डिंग होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सूचर को होल्ड करते हैं, जो माइनर सूचर होते हैं, जैसे 60 प्रोबलिन आपने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज होता है उनका, तो उन्हें होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे इजिली एनास्मोसिस किया जा सके, आर्टरी और वेन को कनेक्ट किया जा सके, इसकी हेल्प से कनेक्ट किया जाता है। आपको जब प्रो प्रोसीजर दिखाया जाएगा तो उसमें आप अच्छे से इनको और अच्छे से समझ जाओगे। और इसके बाद आपके ये निडल होल्डर आ गए, ठीक है, ये आपका निडल होल्डर होता है, और ये आपका आर्टरी फोर्सेप होता है, ठीक है, प्लेन आर्टरी फोर्सेप। मैंने कर्व वाला आपको दिखा दिया था ऑलरेडी, ये कर्व आर्टरी फोर्सेप है और ये प्लेन वाला आर्टरी फोर्सेप है। इसके बाद आपका आ जाता है बीपी हैंडल, ठीक है, इसके अंदर ब्लेड लगाया जाता है, जिसकी हेल्प से इसे इजिली पकड़ के और कट किया जा सके, क्योंकि डायरेक्ट ब्लेड पकड़ना थोड़ा रिस्की हो जाता है, खुद को भी लग सकती है और प्रोसीजर भी गलत हो सकता है। बट द थिंग इज, इसकी हेल्प से क्या, इसे इसमें कनेक्ट करके इजिली कट किया जा सके। और इसके बाद आपका आता है परपेंडिकुलर रेट्रैक्टर, ठीक है, इसकी हेल्प से क्या, जो स्किन होती है जो हम कट कर चुके हैं उसको होल्ड करने के लिए, जैसे ये स्किन कट कर ली, ठीक है, तो इस पर इस तरीके से पकड़ के होल्ड किया जाता है, जिससे वो साइड में रहे, प्रोसीजर आराम से हो जाए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ये आपका सूचर कटिंग सीजर, ठीक है, इससे सूचर को कट किया जाता है, जो सूचर बाइंड कर दिया गया, बांध दिया गया, उससे इसको कट किया जाता है। उसके बाद आपका ये टिशू कटिंग सीजर आता है, जो भी टिशू है अगर उसको कट करना है तो ये टिशू कटिंग सीजर से यूज कट किया जाता है। फिर एट द एंड आपका आ जाता है वैस्कुलर कटिंग सीजर, जिससे किसे आर्टरी या वैन को कट किया जाता है, जितलर्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ब्रांचेज होती हैं, तो उनको कट करके टाई किया जाता है इसकी हेल्प से। तो ये था पूरा इंस्ट्रूमेंट जाने के लिए, जो आपको बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप कहीं भी मेडिकल लाइन में काम कर रहे हो, किसी भी नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो इतना इंस्ट्रूमेंट तो आपको पता ही पता होना चाहिए। तो इस वीडियो से काफ़ी आपको सीखने को मिला होगा, जो पहले कभी नहीं आप लोगों ने देखा होगा। एक बार मैं इसकी लिस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे एकदम अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाओ।
सो गाइस आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो इंस्ट्रूमेंट के, और मैं आपको इनकी नेमिंग सबकी बता देता हूँ जो रिटर्न में लिखी हुई है, क्योंकि इस चैनल पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो सिर्फ बोलने से काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आएगा, वो लोग लिख नहीं पाएंगे वीडियो के थ्रू। तो एक मैं लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ जोन जोन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको वो लिस्ट दिखा देता हूँ। तो ये दिख रहे होंगे आपको, सबसे पहले क्या है इसके अंदर स्पंज होल्डर है जो मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। फिर आपका बॉल हो गया, ठीक है, बॉल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो होता है ये आपके बॉल हो जाते हैं, ठीक है। टॉवल क्लिप मैंने आपको बता दिया था, एलिस फोर्सेप इसके अंदर हो गया आपका, कार्व आर्टरी फोर्सेप मैंने आपको दिखाए थे, चार थे, ठीक है। बीपी हैंडल, डायलेटर हो गया, ये सब चीज़ आपको बता दिए। तो आप ये नेमिंग लिख सकते हो, ये आपको बहुत काम आने वाली है अगर आप कहीं भी काम करने जाते हो। परपेंडिकुलर एक्सट्रैक्टर हो गया, टिश्यू कटिंग सीजर हो गया, सूचर कटिंग सीजर हो गया, और आपका बुलडॉग हो गया, वैस्कुलर आर्टरी, वैस्कुलर सीजर हो गया आपका, और वैस्कुलर फोर्सेप मैंने आपको दिखाया था, आपका कैस्ट्रोविज हो गया, और टूज फोर्सेप होल्डर हो गया, ठीक है। आपका निडल होल्डर मैंने दिखाया था, और लास्ट आपका स्मॉल आर्टरी फोर्सेप, एक स्मॉल वाला आर्टरी फोर्सेप था। तो ये सब 18 इंस्ट्रूमेंट टोटल इंस्ट्रूमेंट, इसमें 32 थे नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो 18 थे, कैटेगरीज उनकी 18 थी, बट टोटल इंस्ट्रूमेंट 32 थे, आप लोग काउंट भी कर सकते हो। और सो मैं फिर से एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो पे एम करते हैं हम 1500 लाइक का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।